जब हम नौवीं कक्षा में थे तब हमको डिस्क्शन कराया जाता था मेडक ले के, के कर, कर के चारों पैरों के अंदर एक निर्णित चुभा कर करके और ट्रे के अंदर उसको फिक्स कर देते थे वो छटपटाता था लेकिन उसके दुख को अनुभव नहीं होता था 83 में हमने एक राष्ट्रीय सेमिनार किया एक आदेश पारित किया गया कि ये फ्रॉफ द कंट्री डिसेक्शन बंद किया जाएगा खाने में जो डिफरेंस है कि ये वेजिटेरियन है ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है उसके लिए कोई आइडेंटिफाइबल मार्क नहीं था आपका बहुत मुख्य रोल रहा है ग्रीन डॉट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत से नेगेटिव फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे लोग कि इससे हमारा माल नहीं बिकेगा अगर हम बता देंगे तो लोग खाएंगे नहीं तो ग्रीन और ब्राउन या रेड सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया इससे बहुत बड़ी जागृति आई कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस में स्पिरिचुअलिटी को रखते हैं अध्यात्म विद्या कहती है कि, कि प्राणी मात्र की रक्षा होनी चाहिए प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला ही स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकता है प्लांट्स को भी तो इमोशंस होते हैं मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन में कोई फर्क नहीं है करके कहा जाता आज इंटरव्यू में बहुत खुलासे होंगे कि फार्मेसी में मेडिकल लाइन में किस हद तक हिंसा होती है कॉस्मेटिक्स में खाने में न्यूट्रिशन में क्या तरीके की गलत फहमिया हैं जो हम सब जानते ही नहीं हैं तो आज आप मिलेंगे डॉक्टर डीसी जैन से जिन्होंने शब्दजंग हॉस्पिटल वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर में बहुत ही सीनियर पोजिशन में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी को लीड किया है उन्होंने ना ही केवल जागरूकता बढ़ाई उन्होंने आवाज़ उठाई ताकि सभी लोग कंपैशन को ट्रू मतलब में जिये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के इंटरव्यू में हमने बहुत चीज़ें कवर किए जो मुझे भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी तो आइए जानते हैं डॉक्टर डीसी जैन से एक सिंपल मैन से उनकी एक्स्ट्राऑर्डनरी कहानी आइए जानते हैं उनका स्वानुभव नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल में आपने जो काम किया है अहिंसा के लिए अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने एनिमल जगत के लिए प्राणी जगत के लिए पशु जगत के लिए बहुत काम किया है तो हम आपकी जर्नी के द्वारा बहुत लोग सीखेंगे और खुद वो क्या कर सकते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो सर पहला सवाल मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो बचपन था कैसे आप एक एक मेडिकल डॉक्टर बनने का जो सपना है वो कहाँ से शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ हम जानना चाहेंगे मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक साधारण स्कूल में हुई थी लखनऊ के पास एक जिला है बाराबंकी बाराबंकी ज़िले के अंदर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उस शिक्षा में जब हम नौवीं कक्षा में थे तब हमको डिसेक्शन कराया जाता था मेडक का और उसमें जो मेढक ले के उसको एक ट्रे में लेटा कर करके उसके पैर चारों पैरों के अंदर एक नीडल चुभा कर करके और ट्रे के अंदर उसको फिक्स कर देते थे फिक्स कर 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 करके और वो जब उसके मोमेंट बंद हो जाते थे तब उसको डिसेक्ट किया जाता है ये कंपलसरी था तो उस समय मेढक जैसे उसकी कॉन्सनेस वापस आ गई एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट खत्म हो गया क्लोरोफाम से करते थे उसको एनेस्थेटाइज तो वो जब वो छटपटाता था लेकिन उसके दुख को अनुभव नहीं होता था लेकिन मुझे लगता था कि ये काम ठीक नहीं और कभी कभी वो मेड़क उछलता था तो ऐसा लगता था इसके साथ जो अत्याचार है उसकी चरम सीमा है फिर जब हम मेडिकल कॉलेज में इंट्री हुई तो हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स साथी थे वो कहते थे कि तुम ये काम कैसे करोगे तो हमने कहा देखो मुझे कोई फोर्स ऐसा कह रही है कि हमें इस काम को आगे बढ़ाना है तो उस समय हमारे दिमाग में ये कन्विक्शन था कि हम मेडिकल एजुकेशन से जा करके कि इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से ये लोग इंसिस्ट करते होंगे तो इसके परिवर्तन किया जा सकता लेकिन उस समय हमारे ऐसी ऑर्गेनाइज फिलासफ़ी नहीं थी कि हम किस प्रकार से इसको करेंगे हमारे बहुत से जो और साथी थे वो कहते थे ये काम तुम्हारे लिए बहुत कठिन है तुम कैसे करोगे लेकिन हमारा मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुई हमने वहाँ से एमबीबीएस किया एमबीबीएस करने के बाद हमने एमडी की परीक्षा पास की परीक्षा पास करने के बाद हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया परिवर्तन ये आया कि बहुत से जो हमारे साथी थे वो एम बी बी एस कर कर करके सब अपने अपने प्रैक्टिस में या कहीं गवर्नमेंट सर्विस करने लगे कुछ एम डी के बाद करने लगे तो वो प्रोपोर्शन करीब टू हंड्रेड स्टूडेंट्स में अराउंड फिफ्टी स्टूडेंट्स पीजी के लिए एडमिशन हुआ और उसके बाद जो मेडिसिन में करीब दस उसके बाद हमने महसूस किया कि हम इसके लिए नहीं बने कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमने कहा हम और पढ़ना चाहेंगे तो हमने वहाँ से एक पोस्ट डॉक्टरेट क्वालिफिकेशन होती डी एम उसके लिए प्रयत्न करने लगे और हम दिल्ली आकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर हमने एडमिशन लिया तो हमने ये परीक्षा पास की पास करने के बाद हम इस लाइन में कार्य करने लगे तो उस समय हमने महसूस किया कि बहुत सी जो बीमारियां हैं जो मस्तिष्क समय संबंधी बीमारियां हैं वो जानवरों के संपर्क में आने से या उनको खाने से ये मनुष्य में फैल रही तो आपने अनुभव किया अपने आसपास में बहुत लोगों को देखा भी होगा जिनके जीवन में ऐसे डिजीज़ के द्वारा वो तकलीफ में है तो जैसे आप एज इन द प्रोफेशन आप को जैसे डाइसेक्शन था ये सब आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे आप कुछ खुद कुछ नहीं कर पाए उसको रोकने के लिए तो हाँ। आप, आपके अंदर जो भावना आई कि मुझे कुछ करना है जब आपने इतनी पढ़ाई डीएम तक आपने पढ़ाई की तो तब भी आपके अंदर वही फील, था फीलिंग थी कि हमें इसमें कुछ काम करना चाहिए कि ये लोग क्यों कर रहे हैं बहुत से काम जो है अनावश्यक कर रहे हैं अननेसेसरी क्रलिटी टू एनिमल्स तो जब हमारी एज ए कंसल्टेंट के रूप से पोस्टिंग हुई बहुत से पेशेंट्स आने लगे तो बहुत से शिक्षा विभाग से जहाँ जो एन है वहाँ से टीचर्स इलाज कराने के लिए आते थे तो हम उनसे पूछते थे कि आप क्या देख रहे हो उस विथ सेक्शन यू आर लुकिंग आउट तो उन्होंने बताया कि हम एजुकेशन देखते हैं तो हमने उनसे कहा कि एजुकेशन में एक ऐसा एरिया है जिसमें वी आर टीचिंग रॉन्ग कैन वी मॉडिफाई तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम अपने डिपार्टमेंट में बात कर करके देन विल कम्युनिकेट टू यू जो बायोलॉजी में बायोलॉजी का बायोलॉजी में जो डिसेक्शन होता था तो उन्होंने फिर मीटिंग की और उसमें आई वॉज इन्वाइटेड हमने अपने विचार प्रकट किए कि ये जो किलिंग है या क्रोलिटी टू एनिमल्स है इसको इस चिकित्सा पद्धति के अंदर जो स्थान दिया गया है या जो इसके नाम से जो आप पढ़ाते हैं ये उचित नहीं hmm. इसके ऊपर हमें कुछ चेक करना चाहिए तो उन्होंने एक राष्ट्रीय सेमिनार रखा राष्ट्रीय सेमिनार कर कर के रख कर के और हम, हम, हम हमको अवसर दिया गया कि हम अपनी बात प्रस्तुत करें हमने उनको प्रस्तुत कर कर के बताया है कि जो हमारे जो सर्जन्स हैं जो सर्जरी करते हैं उन सर्जन्स से पूछा जाए कि आपने जो सर्जिकल स्किल एक्वायर की है ये क्या मेढक के पिजन के या रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के स्क्वायरल के और जानवरों को जो डिसेक्ट कर करके आपने क्या स्किल एक्वायर की है सर्जिकल स्किल उन्होंने कहा कि नहीं इसका कोई रोल नहीं हमने तो सीधे डेड बॉडी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही डिसेक्शन किया है इन एन में तो इसलिए इसका इसका रोल नहीं है सो दिस फाइंडिंग हमने वहां पर एनसीआरटी में प्रेजेंट की कि जब ये कह रहे हैं तो वट मेक्स यू टू एजुकेटेड दिल्ड्रेन बाई डिसेक्टिंग तो उन लोगों को सब समझ में आए और एक आदेश पारित किया गया कि ये पूरे थ्रू आउट कंट्री धीरे डिसेक्शन बंद किया जाएगा और ये धीरे धीरे पूरे कंट्री के अंदर बंद कर दिया गया ये कौन सा साल था 87, 86, आस के आसपास मुझे याद है क्योंकि मेरी मेरी माँ जब बायोलॉजी में डाइसेक्शन होता था उनको खुद बहुत बुरा लगता था क्योंकि उनके समय में डाइसेक्शन होता था तो क्योंकि वो भी शाकाहारी हैं और वो एनिमल्स के प्रति बहुत वेरी इमोशनल की तो वो टीचिंग होना चाहिए नहीं वो एक नॉर्मल जैसे नौर्मल स्कूल में ही होता था तो जब मैं स्कूल में आई मेरे तब मेरे नाइन्टीज में बंद हो गया तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मुझे नहीं करना पड़ेगा डा हाँ ये उसी समय की बात है बिल्कुल हमने ये एट्टी थ्री के अंदर ही शुरू किया था बहुत बढ़िया एट्टी थ्री में हमने एक राष्ट्रीय सेमिनार किया एट्टी फोर में विज्ञान भवन में हमको लोग कहने लगे कि इतना हाई लेवल पर क्यों कर रहे हो और इतना एक्सपेंडिचर होगा बट आई रियलाइज कि हमें इस सब्जेक्ट को गौरवान्वित करना है गौरवान्वित करने के लिए हमें एक ऐसा स्थान चूज़ करना था जिसकी प्रेस्टिजस वैल्यू वेन्यू की तो इसलिए हमने विज्ञान भवन को प्रेफर किया और उसमें उस सेमिनार के अंदर हमने केवल जो साइंटिस्ट थे जो इस विषय में डील करते थे या न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थे और डॉक्टर्स थे उन लोग ही इनवाइट किया हमने उसमें रिलीजियस लोगों की एंट्री को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रखा था लेकिन वो कुछ लोग आ गए आकर करके उन्होंने के अपनी बात देखी कि कि ये जो चीरफाड़ है या ऐसे अत्याचार की कहानियाँ है ये चिकित्सक लोग कैसे चेक करेंगे hmm. जब हमने उसको आ, इंसिस्ट किया कि हमें ये नहीं करने देना है तो वो धीरे 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 एक रूप लेने लगा कि अननेसेसरी क्रोलिटी टू एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड तो रिलीजियस लीडर्स जो थे उसमें उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि इनको आपने नीचे बैठाया है और हम साइंटिस्टों को ऊपर बैठाया है ये हमारे हम इन सं, संतों का अपमान है।, है तो उस संत ही बोले कि हम इतने सालों से यही काम करना चाहते थे आप हमारी बात तो सुनते नहीं है इन्होंने शुरू किया है और आप इनको रोक रहे हैं तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो आई वॉज़ इनक्रेज कि देखो कि ये सपोर्ट कर रहे हैं और हम काम उन्हीं का कर रहे हैं तो उससे वहाँ पर जो सेमिनार के अंदर ये तय किया गया कि हमें ये एनिमल डिसेक्शन और क्रोलिटी टू एनिमल्स इसको हटाना है तो इस क्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ क्रोलिटी होती है जैसे मेडिकल एजुकेशन या एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर मान लीजिए जैसे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं हुआ किसी ने बी किया एम किया वहाँ भी उसको चीरफाड़ करनी पड़ती थी तो एजुकेशन में जो ये हिंसा थी इसको एक ग्लोबल रूप दिया गया एंड दिस वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर कंट्री बट थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उसमें बहुत से लोगों ने हमको ज्वाइन किया फिर ये जब न्यूज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पहुँची तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी, भी इसका संज्ञान लिया और वहाँ पर बीएससी एमएससी सब जगह इसको बंद किया गया फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसमें डिसीजन लिया और उन्होंने भी इसको बंद कर दिया तो ये यात्रा बहुत ही सुखद रही प्रारंभ भी अच्छा रहा और इसका अंत भी अच्छा रहा तो एक तो मेडिकल एजुकेशन या एजुकेशन के अंदर हिंसा दूसरा फूड सेक्टर के अंदर हिंसा जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम से नॉन वेजिटेरियन फूड को ग्लोरिफाई किया जाता था कि ये शक्ति में अधिक है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं विटामिन ज़्यादा होते हैं तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डेटा थे हेल्थ बुलेटिन नंबर ट्वेंटी थ्री आई सी एम आर ने पब्लिश की थी उसको निकाल करके उसमें देखा कि इसमें जो ये तथ्य कहते हैं कि क्या इसमें शक्ति ज़्यादा है जो तो भोजन की शक्ति कैलरीज़ में नापी जाती थी तो कैलरीज में और प्रोटीन की कंटेंट्स ग्राम परसेंट में इनकी तुलनात्मक अध्ययन करने पता लगा कि जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उनमें कैलोरीज भी डबल है और प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा है और मिनरल्स और विटामिन्स भी ज़्यादा है ये बात जब हमने लोगों के सामने रखी कि आप यू वेयर मिस एंड मिसगाइडिंग अदर्स तो ये तय हुआ कि यह हमें चेक करना चाहिए उसके बाद ये देखा गया कि जो फूड के अंदर ऐसे तत्व हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन रहने लगी किसी को या जिससे कैंसर हो जाने की संभावना है ऐसे फूड सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया कि जिस फूड में फाइबर कंटेंट्स कम है डाइट्री फाइबर डाइट्री फाइबर भोजन का वो भाग है जिसका पाचन नहीं होता है लेकिन इसकी रफेज वैल्यू बढ़ती hmm. तो जिस भोजन में डाइट्री फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स सुदिंग रहते हैं और इससे कॉलन कैंसर नहीं होता है उसके बाद ये देखा गया कि इवन ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर्स में भी दोज हुए आर टेकिंग हाई फाइबर डाइट उनमें कैंसर की इंसिडेंस कम देखी गई इसी तरह डायबिटीज़ के कंट्रोल में जिनमें डाइट्री फाइबर ज़्यादा था उनका ब्लड शुगर मेंटेन करने में बहुत सुविधा रहती थी hmm. तो डाइट्री फाइबर का रोल बहुत बड़ा था और और जो विशेष इसमें इश्यूज़ थे वह है कोलेस्ट्रॉल था hmm. कोलेस्ट्रॉल जिस भोजन में ज़्यादा होता है उसे हार्ट अटैक की संभावना कैंसर की संभावना बढ़ जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट इट वाज प्रूवन कि ये हमारी ब्लड वेसल को ठीक कर देता है hmm. तो उसे ब्लड फ्लो का ब्लड फ्लो कम हो जाता है अगर ब्रेन में कम हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है हार्ट में कम हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है किडनी में हो जाए तो किडनी फेलियर हो जाती तो जिस भाग के अंदर खून का फ्लो कम हो जाए वह भाग निष्क्रिय हो जाता है तो इसको ये भी फैक्टर वेजिटेरियन फूड के अंदर एक कि लो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वेजिटेरियन फूड वाज प्रिफर्ड तो इसलिए वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग देखा गया Uh, मेरे इसमें एक सवाल है कि आपने कहा है कि न्यूट्रिशन में मिसगाइडेंस हुआ है तो जब खाने में जो डिफरेंस है कि ये वेजिटेरियन है ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है उसके लिए कोई आइडेंटिफाइबल मार्क नहीं था तो रिसर्च के द्वारा जाना गया कि आपका बहुत मुख्य रोल रहा है ग्रीन डॉट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसमें जब हमने एक नाइनटीन फोर के बाद एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस श्री फोर्ड ऑडिटोरियम की तो उसमें करीब 1500 हंड्रेड डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड उसमें एक हमारे साथ एक डॉक्टर थे तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया प्रेजेंट किया जो खाद्य सामग्री है उसके पर एक ये लिखा हो कि इसमें है क्या फूड कंटेंट्स लेवल hmm. वह है आर्टिकल हमने धीरे धीरे मंत्रालय के अंदर सब जगह भेजा कि इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी मिसगाइडिंग टू द पीपल तो मंत्रालय ने उस पर अध्ययन कराया बहुत से नेगेटिव फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे लोग कि इससे हमारा माल नहीं बिकेगा फूड कैसे बिकेगा अगर हम बता देंगे तो लोग खाएंगे नहीं hmm. तो बहुत सी इंट्रेंसेस थी लेकिन वो धीरे 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 आगे बढ़ा उस पर लिटिगेशंस हुए पे वो दे वे आर नॉट अलाउिंग यू कैन यू शुड नॉट पुट द लेवल लेकिन फाइनली आफ्टर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल द गवर्नमेंट एग्रीड एंड दे पुटिंग ए लेवल सो ग्रीन और रेड सिंबल रिप्रेजेंट किया गया सबसे कुंडली उसमें ब्राउन सिंबल डाला गया कि ये एनिमल प्रोडक्ट है और जो डायरेक्टली जैसे बहुत से ऐसे मेडिसिनल इंसुलिन है हारमोन्स हैं ऐसे वो रेड जैसे सिम्बोलिक होते तो ये तय किया गया कि अभी हम फूड सेक्टर तक रखते हैं फूड सप्लीमेंट्स में रखते हैं तो ग्रीन और ब्राउन या रेड सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया और वह ना हो सर्वमान्य है पूरे कंट्री के अंदर नाउ इट इज़ एप्लीकेबल एंड हर फूड सप्लीमेंट में हर फूड आइटम के ऊपर ये चिन्ह लगाना कंपलसरी इससे बहुत बड़ी जागृति आई पूरे भारतवर्ष में जैसे अभी जैसे आइसक्रीम है बहुत से ऐसे एडिबल्स हैं जिसके ऊपर लोगों को पता नहीं रहता है कि हम खा क्या रहें hmm. उनके ऊपर भी ये सिंबल लगता है तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा कि हम फूड सेक्टर के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं तीसरा जो क्षेत्र था वह था कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग ऑन दी एनिमल्स जैसे रैबिट है रैबिट के आई के अंदर जो कॉस्मेटिक्स हैं उसको हमने डाल डाल के देखते थे ये क्या कंपेटेबल है स्किन के ऊपर इसका दुष्प्रभाव तो नहीं तो वह है जो दुष्प्रभाव जो रैबिट की आंख के अंदर ड्रॉप डाल के देखा गया और एनिमल्स रैबिट्स दे बिकेम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ दिस लफिंग ये कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग वाज़ आल्सो ए प्रॉब्लम वो भी धीरे 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 परस्यू किया गया तो दिस हैज़ आल्सो बीन स्टॉप्ड चौथा एक सेक्टर रिलीजन के ऊपर था बहुत से लोग कहते हैं कि रिलीजन इज वेरी सूदिंग लेकिन इसको एक्सप्लाइट किया गया लोगों ने अगर रिलीजन की यूनिफॉर्मिटी रहती तो इसमें ये करप्शन नहीं आता तो रिलीजन में बहुत से लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एनिमल्स की स्लॉटरिंग शुरू कराई कि गॉड एंड गॉडेस विल फील हैप्पी बाय ऑफरिंग them, the animals, slaughtered and non-slaughtered. ये सबसे सब बड़ा एक ऐसे ऑब्स्टेकल थी and we were not interested कि हम religion में इंटरफ्रेंस करें लेकिन ये महसूस किया गया कि जो लोग मिसगाइड करते हैं इन दिल नेम ऑफ रिलीजन that पार्ट शुड बी कवर्ड तो बहुत से लोग वॉल्टियर्स आए जो उन्होंने क्षेत्रों पर जा जा कर के देखा कि यहाँ पर एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती है बलि चढ़ती है उनको उन्होंने धीरे धीरे लोगों को एजुकेट किया स्थानीय लोगों को कि इससे देवी देवता खुश नहीं होते वो है उत्तराखंड का इलाक़ा बहुत बड़ा था कर्नाटक में बहुत एरियाज थे तो इन क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे और यहाँ तक कि जो बेलोरमेट है उसमें भी एनिमल्स लॉटर होता था बलि चढ़ते थे जब इसको अप्रोच किया गया तो लोगों ने इस पर रुचि नहीं ली लेकिन वी कंटिन्यूड परसुइंग तो उसका एक ट्रस्टी ही रियलाइज कि इट्स ए रॉन्ग प्रैक्टिस कैन नॉट बी अलाउड तो उसने एक रंग रख दिया वहाँ पर कि दोज हु बिलीव उस रंग को आप लगा ले कि हमने बलि चढ़ा दी द एनिमल्स वेयर नॉट लॉटस्ट फिर यहाँ पर और जगह पर उन्होंने केला रख दिया है केले को काट लो बली हो गई एनिमल्स वेयर ये भी एक जो है रिलीजस किलिंग रिलीजन कोई भी धर्म किसी प्राणी की बध नहीं चाहता तो इसलिए इसको जो अवेयरनेस नहीं आई ज्यादा बिल्कुल रिलीजन शुड not allow और ये किसी की इच्छा पर नहीं है कि हम किसी को मार दें hmm. कि आपको प्लेजर मिल रहा है तो उसको तो ए रिलीजन इज ऑल्सो फैक्ट और पांचवा इसमें फैक्टर जो था इन नेम ऑफ एम्यूजमेंट स्पोर्ट्स हैप्पीनेस होली के अवसर पर कुछ लोगों को देखा कि जैसे डंकी है डंकी की पूंछ के में पटाखे बांध दिए पटाखे बांध करके और उसको जला दिया तो वो पटपट पट की आवाज़ होने से एनिमल भागता है और वो परेशान रहता है ये क्या हो गया इसी तरह एक एलिफेंट फीमेल एलिफेंट थी उसके मुंह में पटाखे रख दिए और बाहर रिमोट कंट्रोल से उसको फायरिंग शुरू कर दी एनिमल वाज इंजर्ड इस तरह जो अननेसेसरी इसी तरह दिस केसेज बिच वे रिपोर्टेड इन द न्यूज़ एक बिल्ली थी एक डॉग था ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उसको पकड़ करके घुमा करके और उसको फेंक दिया ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से ऐसी जो अत्याचार है जो अननेसेसरी क्रुलिटी विच इज आल्सो वाज रेम्पेंट तो वी स्टार्टेड दैट अननेसेसरी क्रुलिटी टू एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड एम्यूजमेंट के नाम से एंड मोस्ट ऑफ द डिसेंट पीपल दे रियलाइज कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसलिए उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा मीडिया स्टार्टेड कवरिंग दैट दे, न्यूज़ तमिलनाडु की एक महिला श्रीमती रुक्मणी अरुणेल वो एक नाट्य अकाडमी चलाते थे और उनके दिमाग में बात आई कि भारतवर्ष में ये जो क्रोलिटी टू एनिमल्स है ये शुड बी रिड्यूस्ड नॉट कम्प्लीटली स्टॉप तो उन्हें आकर के एक एफर्ट किया 1960 के आसपास की बात आता और उन्होंने एक एक्ट पास करवाया पार्लियामेंट से प्रिवेंशन ऑफ क्रुलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 सिक्सटी विच वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट और उसमें जो बहुत छोटे छोटे फाइन थे पाँच रुपए का दस रुपए का बट इट हैज़ ए डिटरेंज एक्शन और उसकी वजह से ये एक्ट पास हुआ और उससे बहुत से ओवरलोडिंग है जानवरों को ओवर करते टाँगे पर मलकाट के ऊपर कैमल कट के ऊपर अननेसेसरी की दस आदमी बैठ गए दो आदमी बैठने चाहिए पंद्रह आदमी बैठ गए ऐसे बहुत से अत्याचार वह इस एक्ट के द्वारा कम हुए प्रिवेंशन ऑफ क्रोलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत जगह जगह एस की ब्रांचेस खुली जिलाधिकारी को आदेश दिए गए कि क्रोलिटी शुड बी चेक्ड सो ये स्पोर्ट्स so और इस तरह के क्षेत्रों के अंदर भी एनिमल क्रोलिटी वाज टेकन केयर ऑफ बहुत अद्भुत इतने तरीके से हमें बहुत लोग आई थिंक जो देख रहे हैं उनको अवेयरनेस भी नहीं होगी कि क्या उनका इम्पैक्ट है हम ही क्रिएटर्स हैं हमारे रियलिटी के लिए अगर हमारे हमारे डिजीज़ हैं अगर हमारे साथ ऐसा होता है अगर आप रैश से लेके क्या क्या फिजिकली आप एनिमल टेस्टिंग के द्वारा जो आपके ऊपर जो होता है एक्चुअली पहले एनिमल पर टेस्ट होकर आपके पास आता है तो बहुत लोग अवेयर होंगे इस इस इंटरव्यू के द्वारा ये तो मैं श्योर हूँ अब आपके जर्नी के द्वारा आपने एनिमल क्रुएल्टी के प्रति बहुत काम किया है आपने एक एनजीओ भी की भी स्थापना की थी आप अगर हमें थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता सकें कि जो एनजीओ की शुरुआत की एनिमल स्लॉटर को रोकने के लिए आ, हमने ये महसूस किया कि हमारी सोसाइटी में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी रही छोटे छोटे धर्म किसी ने अपने नाम से चला दिए किसी ने किसी कहीं न कहीं उन लोगों का आ, था या कुछ सामाजिक अव्यवस्था देखी होगी या किसी सम, धर्म में कुछ अतिशयोक्ति देखी होगी तो नए नए धर्म का प्रचलन शुरू हुआ उस धर्म के प्रचलन की वजह से एनिमल्स की केयर करना इग्नोर किया गया जैसे हमने देखा कि अहिंसा परमो परमोधर्मा एक स्लोगन था वो प्रैक्टिस में नहीं देखा गया जब हमने लोगों से कहा कि आप ये अबक्ष चीजें नहीं खाइए मीट नहीं खाइए इस प्रकार की हिंसा होती है तो उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो हमने पहले कोशिश की कि जितने भी टेम्पल्स हैं जिसके भी जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ कुछ साइन बोर्ड्स लगे अहिंसा धर्म ही लिखो जो आप ऐसा कहते हो लेकिन उन लोगों का ध्यान नहीं गया तो हमको ऐसा लगा कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जो अल्टीमेटली जो सफर है उसके दुख दर्द को हम प्रोजेक्ट कर सकें पॉलिटिक्स के रूप में अहिंसा को लोग पॉलिटिकली यूज़ करने लगे अहिंसा प्रधान है ये है है लेकिन जो अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन था जहाँ होना चाहिए था वो नहीं होता था जो सबसे वीक और सबसे कमज़ोर प्राणी उनके ऊपर अत्याचार बहुत होते थे जैसे मैंने बताया रैबिट है मंकी है डंकी है ऐसे छोटे छोटे जानवर और उसको ध्यान नहीं दे रहे कि इसको कोई तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही तो हमने एक फिर सोच करके कि एक ऐसी तरीका निकाला जाए जिससे कि हमारा जो ये इंडिविजुअल है इसकी हम रक्षा के लिए हर तरह का प्रयत्न करें तो वी आइडेंटिफाइड कि ये एनिमल या बर्ड्स इनको प्रोटेक्ट करने का हमारा ध्येय है तो हमने एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से एक एनजीओ स्टार्ट किया और उसमें हर जाति हर समुदाय के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया इसमें किसी किसी धर्म का बाहुल्य नहीं रहेगा हर आदमी का कर्तव्य होगा कि हमें इन जानवरों की सुरक्षा के लिए कार्य करना एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत 1981 के आसपास शुरू की और उसको हमने स्कूल लेवल के ऊपर करीब करीब 13,000 स्कूल्स को कवर किया वाँ। और वाँ। उन स्कूलों को हमने कंपटीशन के द्वारा अवेयरनेस लाने के लिए कुरिटी टू एनिमल्स इज़ ए बैड थिंग और अवेयरनेस लाने के लिए ऐसे छोटे छोटे अवॉर्ड्स दिए गए जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ सिक्स से एट्थ स्टैंडर्ड एट से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इन ग्रुप्स में फर्स्ट सेकंड, थर्ड और मेनी मैनी प्राइजेस और मेल को अलग फीमेल को अलग ऐसे सब बच्चों को तो इसमें बहुत ज़बरदस्त इंट्री हुई करीब मेरे ख्याल से मोर देन एट्टी थाउजेंड इंट्रीज तो वो हम लोगों ने उसको एनालाइज करा करके वी एव स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द्ड्स फिर हमने नाइनटीन एटी सिक्स में रैलियाँ निकालना शुरू की इंडिया गेट के ऊपर फर्स्ट रैली वॉज हेल्ड इन नाइनटीन एटी सिक्स और उसमें करीब करीब दस हज़ार बच्चों को सम्मिलित किया गया और वह इंडिया गेट से चल करके विजय चौक तक उस रैली का मार्च पास्ट हुआ और वहाँ पर फंक्शन हुआ और उसमें ये तय किया गया कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चालू रखेंगे हमने केवल अवेयरनेस प्रोग्राम चालू रखा कि ये क्रोलिटी ठीक नहीं इसकी क्रोलिटी से न मनुष्यों को फायदा है और न जानवरों को फ़ायदा है एक हम्बुल रिक्वेस्ट से चालू किया गया और वह धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव फैला ये फिर धीरे 88, 89 और 91 में हमने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फिर की एक 85 में की एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये जो वेजिटेरियन न्यूट्रिशन है हाउ इट कैन प्रिवेंट कोलोरेक्टल मेलेगनेंसी यानी कोलन के कैंसर कैसे रोक सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर कैसे रोक सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर कैसे रोक सकते हैं और और कौन सी बीमारियां हैं जो कि हम रोक सकते हैं hmm. तो उसमें ऑल इंडिया शूट के ह्यूमन न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने उसमें हमारा दे बिकम को पार्टनर्स एंड वी कुड मेक द पीपल रियलाइज कि जो गैर छुआछूत की बीमारियां हैं और छुआछूत की बीमारियां हैं उनकी ओरिजिन का प्रमुख कारण एनिमल फूड hmm. उस समय हमने इन बीमारियों को दो भागों में विभाजित किया कि संसार में जितनी बीमारियां हैं मुख्यतः है या तो वो छुआछूत की है या गैर छुआछूत की या कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी जो छुआछूत की बीमारियां हैं जैसे स्मॉल पाक्स चिकन पाक्स मीजल्स डिफ्टीरिया टेटनस पोलियो और और बहुत सी बीमारियाँ थीं जैसे, जैसे जैपनीज इनकेफ्लाइटिस कैसा नॉट फॉरेस्ट वायरस डिजीज या नीपा वायरस आजकल आज आप अखबार में पढ़ते होंगे केरल के अंदर हेमरिजी कांगो फीवर ये सब छुआछूत की बीमारियाँ येलो फीवर इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमने कुछ स्ट्रेटजी लेट डाउन की कि ऐसे ऐसे करना चाहिए दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट अटैक स्ट्रोक कैंसर डायबिटीज हाइपरटेंशन। तो इन बीमारियों को आइडेंटिफाई कर करके एंड वी स्टार्टेड डिजाइनिंग कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई इन बीमारियों की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स निकल के आए जिसे पता लगे कि इसमें एनिमल्स व्हेन दे आर ईटन दे डिप्राइव द ह्यूमन पॉपुलेशन फ्राम सर्टन इसेंशियल फैक्टर्स जैसे डाइट्री फाइबर जितना मीट बेस्ड डाइट है उसमें डाइट्री फाइबर बहुत कम होता है और जिस डाइट्री फाइबर की कमी के की वजह से इंटेस्टन की मोटिलिटी कम हो जाती है मोमेंट कम हो जाते हैं उसे कैंसर के कारण बहुत होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर का एक प्रमुख कारण रेड मीट का कंजम्पशन इसी तरह हार्ट अटैक का कारण प्राइमरीली हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट आप ये देखते होंगे कि जो हार्ट अटैक की बीमारी है ये 20-25 साल के बच्चों में होने लगे mm -hmm. बहुत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमने आईआईटी में एडमिशन करा दिया है मेडिकल कॉलेज में करा दिया वहाँ जाने के बाद पता लगा कि आपके पास समाचार आता है कि नाउ योर सन इज़ नो मोर इसका मतलब जो आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते थे वो बच्चा खुद ही ग्रो नहीं कर पाया दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज द मीट वॉज ग्लोरीफाइड मीट की प्रशंसा इतनी थी कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ती फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट इसको सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन इसमें कुछ ट्रेडर्स देर पुशिंग देर प्रोडक्ट्स तो ये ये प्रूवन हुआ कि हम जब लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करते हैं कि हमारे भोजन की पद्धति में फिजिकल एक्टिविटी के इंक्रीज करने में अल्कोहल के कंजम्पशन में टोबैको के कंजम्पशन में जब हम चेक लगाते हैं तो ये बीमारियों की इंसिडेंस कम हो जाती है सिग्निफिकेंटली कम हो जाती तो हमारा इसमें एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर थे डी नार्निस अमेरिकन साइंटिस्ट है तो ही यू आज ए प्राइमरी कार्डियोलॉजिस्ट लेकिन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का मतलब है कि हम हृदय रोग हो ही नहीं ऐसा कुछ उपचार कर प्रयत्न करें तो उन्होंने दो ग्रुप लिए एक में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया और दूसरे में जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट थे जैसे बाईपास करना स्टेंट डालना वो किया गया और पहले एनजियोग्राफी करके मैंने बात, फिर छः महीने बाद फिर एनजियोग्राफी की तो ये देखा गया जिनमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए गए थे उनमें रिजल्ट बेटर थे उनमें रिकरेंस नहीं थी और इनमें जिनका ऑपरेशन कर दिया उनके रिकरेंस भी जाते थे तो इससे एक सेंसेशनल न्यूज़ फैली थ्रू आउट वर्ल्ड कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इससे हम बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं hmm. आप भी देखते होंगे जो लोग भारतवर्ष में अध्यात्म विद्या को प्रैक्टिस करते रहे हैं वो लोग तेजस्वी होते थे hmm. और उन बीमारियां कम होती थी लेकिन उनको इस बात का आभास नहीं हो पाया कि एक पैरल ग्रुप इसको उनके दर्शन को मिसगाइड कर रहा है जो उल्टा कर रहा है जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी निषेधात्मक थी उनके बारे में ये नहीं बोल रहे थे और ये चुपचाप साइलेंट स्पेक्टेटर्स रहकर करके मेडिटेशन में लग गए और आंखें बंद कर लीं और दुनिया में कुछ हुआ उसमें अनभिज्ञ रहे और उससे धीरे 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 धीरे, धीरे जो मीट की ट्रेडिंग थी वो बढ़ती गई अंडे की कंजप्शन बढ़ गया कहाँ छः लाख अंडा बिकता था कहाँ छः करोड़ बिकने लगा और तो उसके अंदर अंडे में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था और अंडे के जो सेल वाल है उसमें फिफ्टीन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड पोर्स होते हैं छेद उनके थ्रू बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं और अंदर ही अंदर बैक्टीरिया उनको जो फूड मटीरियल है जिसको एग योग कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उस अंडे को अगर आप पानी में रखें वो पानी पे फ्लोट कर जाता है इसका मतलब अंडा सड़ गया hmm. उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस बन गई है जिसकी वजह से वो अंडा तैरने लगा है और वो अंडा करीब अनेक बीमारियों की जन्नी है वो जैसे टाइफाइड का बीमारी तो यहाँ पर जो अंडे का सैंपल लिए गए उनमें दो बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए सालमोलीला टाइफीमोरियम और सालमोलीला पुलोरम ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए और ये टाइफाइड बिफीवर के और गेस्टोटाइटिस का प्रमुख कारण है तो ये बीमारियाँ इग्नोर हो रही थी कि ये बीमारियों को अननोटिस करके दवाई दिया और चला गया लेकिन प्राइमरीली ओरिजिन कहाँ से हुआ जैसे मान लीजिए इन्फेक्टेड वाटर है हमारी सप्लाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ से आती है वी ट्रस्ट दैट दिस इज वाटर इज क्लीन ट्रस्ट कर करके हम पी लेते हैं लेकिन मान लीजिए इसके अंदर बैक्टीरिया मिले हुए हैं बैक्टीरिया मिले हुए हैं वायरसेस मिली हुई है या प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा जैसे कीटाणु हैं ये मिले हुए हैं ये हमें हमें पता ही नहीं लगता और इससे ये बीमारियां हो जाने की संभावना रहती है तो इसलिए जो अंडे के बारे में भी भ्रांति रहती है इसमें प्रोटीन ज़्यादा है? लेकिन अगर हम दो अंडे लें एक अंडे में करीब 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है, दो अंडे में 12 से 13 ग्राम और दाल में 24 ग्राम परसेंट प्रोटीन दाल में डबल है और एनर्जी 100 ग्राम अंडे में 118 कैलोरीज और दाल में 320 कैलोरीज और ये डेटा ऑफिशियल डेटा है इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं शक्ति में जिससे कैलरीज से नाप रहे थे तो कैलोरीज में भी हमारी जो दालें हैं इनमें पर्याप्त मात्रा के अंदर कैलरीज भी है शक्ति है और प्रोटीन भी प्रोटीन भी है करीब करीब ट्वेंटी फोर ग्राम परसेंट प्रोटीन इसमें बारह ग्राम तो इसमें ट्वेंटी फोर और सोयाबीन लें तो फोर्टी फोर ग्राम परसेंट मूँगफली लें तो भी ज़्यादा तो इसलिए प्रोटीन के हिसाब से और इसको ग्लोरीफाई किया गया तो वेन एवर एडवेंट एडवर्टीजमेंट अपेयर्ड ऑन दी मीडिया टेलीविज़न तो हम जब उसका विरोध करते थे तो वो ये ये यूज दे यूज़ टू स्टॉप इट फिर पैसा दे करके फिर चालू हो जाते थे तो ऐसा कुछ चलता रहा लेकिन अभी आप देखते होंगे कि इस समय बंद है फिर चालू हो जाता है तो ये है क्योंकि लोगों को पता नहीं है तो हमारी सोसाइटी ने एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अवेयरनेस लाने की कोशिश की कि पीपल शुड नो कि हाउ दे आर चीटेड तो बहुत सी जो एजेंसीज है जैसे आप देखते होंगे इस समय हमारे मोबाइल के ऊपर कुछ मैसेजेज आते हैं और हमारे अकाउंट्स को वास आउट कर देते हैं ऐसे मैसेज आते हैं कि यू शुड बी अलर्ट तो ये इस तरह की चीटिंग इस फूड इस सेक्टर में भी रही पीपल है मिसगाइडिंग फारद इकोनॉमिक गेंस इसको एनिमल वेलफेयर सोसाइटी हैज़ टेकन अप वेरी ऑन ए लार्ज स्केल एंड पार्सली दे है बिन सक्सेसफुल ये इसका ओरिजिन का एन जी ओ का फंक्शन hmm. रहा और सबसे सबसे कुंडली जगह जगह इसके सेमिनार्स uh, कॉन्फ्रेंसेस रिलीज करते रहे बट वी दिस एन जी ओ हैज़ ट्राइड टू रिमेंट नॉन कंट्रोवर्शियल तो इसमें वो से रेस्ट्रिक्शंस डाले गए कि इसमें कोई कलेक्शन नहीं किया जाएगा mm. कोई फंडिंग नहीं होगी जब भी कोई ज़रूरत होगी तो वी विल आल कंट्रीब्यूट लिटिल बिट एंड विल कीप इट तो इसमें कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई इट हैज़ वर्क स्मूथली ओवर ए पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स और इसमें mm. कोई झगड़े नहीं हुए इसलिए ये काम चलता रहा तो इसलिए हम समझते हैं कि इस NGO के ऊपर कोई ईश्वरीय शक्ति कार्य करती रही है जो अध्यात्म का प्रभाव रहा है और उसकी वजह से ये काम ठीक चलता रहे आप आध्यात्मिकता के प्रति भी आपका डेली प्रैक्टिस में मैंने आपसे सुना है कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस में स्पिरिचुअलिटी को रखते हैं स्पिरिचुअल हैं आप और साइंटिफिकली भी आप स्पिरिचुअलिटी को वैलिडेट करने के आपके मेथड है तो अगर आप समझा सकें हमारी जो विश्व स्वास्थ्य संघ है डब्ल्यू इसने हेल्थ की परिभाषा लिखी कि हेल्थ इज फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज ये परिभाषा हर मेडिकल छात्र को पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मली इसमें एक स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी था लेकिन जैसे आप अखबारों में देखते होंगे कि कोई रिलीजियस आदमी ने ऐसे लोगों का एक्सप्लाइटेशन किया शोषण किया तो रिलीजियस लोगों ने इस तरह की रिलीजन को बदनाम करने की चाहते हुए न चाहते हुए रिलीजन बदनाम हुआ कि हाँ वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना अपने बच्चों को वी आर स्क्योर कि वहाँ नहीं जाना इससे इच, अच्छा ये है यहीं घर में रहे तो, तो ये जो रिलीजन के नाम से मिसगाइड शुरू मिसगाइडेंस शुरू हुआ तो 1980 एटी के आसपास डब्ल्यू ने इसमें जो डेफिनेशन में स्पिरिचुअल कंपोनेंट था उसको हटा दिया और भी रीजन होंगे लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रमुख रीजन हुआ और वो हटाने के बाद अब तो उसको पढ़ाया नहीं जाता जो मेंटल हेल्थ है मेंटल हेल्थ में हम स्वस्थ कैसे रहें मानसिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का कि जब हम बहुत से ऐसे चीज़ें जिसमें हमारी जेलसी ना हो एक दूसरे के प्रति ईर्षा ना हो घृणा ना हो किसी को हार्म करने की प्रवृत्ति मन में उत्पन्न ना हो जो ये जो मेंटल हेल्थ है ये एंजाइटी डिप्रेशन ऐसे बहुत सी जो मेंटल इन्नेसेस है इनको ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल को जीवन शैली को परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम दैनिक जीवन में हम किसी का नुकसान न करें लेकिन आप सोसाइटी में देख रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ के बारे में डिप्रेशन एंग्जाइटी डिप्रेशन एंगजाइटी उसकी दवाइयाँ तो कर देते हैं लेकिन पीपल आर नॉट एजुकेटिंग कि हाउ वी कीप आवर माइंड हेल्थी हाउ वी कीप आवर सोशल हेल्थ इंटैक्ट जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ भी करें हाउ यू आर कंसर्स लेकिन हम अल्टीमेटली वी आर हॉल हम उसका उसके परिणामों को भुगतते हैं जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संपन्न घर का है उसने एक गाड़ी खरीदी अच्छी गाड़ी ली और उसमें अल्कोहल पी करके गाड़ी चलाता है और सड़क के बीच में चलाता है और उससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं आए दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे तो सोसाइटी का जो व्यक्ति है वो उसे सफ़र करता है एक्सीडेंट होता है दो चार मर जाते हैं हमारे भी आदमी तो हु इज दिस सफ़रर सोसाइटी पीपल आर सफ़रर्स बिकॉज ऑफ एक वन मैड पर्सन एक मैड पर्सन ने गाड़ी खरीदी बिकॉज ऑफ ही अर्न सम मनी चाहे वो फॉल मिल से हो चाहे मिल से हो लेकिन खरीद करके उसने गाड़ी चलाई एल्कोहल के इफेक्ट में तो ही ड्राइव्स इट ऑन द रोड तो एक्सीडेंट होते हैं तो so सोसाइटी का सोशल हेल्थ जो है वो कंपोनेंट इग्नोर किया उसने कि मैं आई डोंट केयर अबाउट दिस सोसाइटी क्या हो रहा है लेकिन नेचर पब्लिश पनिश इज दैट पट्स hmm. एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट का केस चलता है और उसकी प्रक्रिया है तो मेंटल सोशल हेल्थ में आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे इस एक्ट की वजह से कि नेबर को कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप धुआं निकाल रहे हैं दूसरे को परेशानी आप स्मोकिंग कर रहे हैं दूसरे को स्मोक करा रहे हैं तो सोसाइटी अफेक्ट हो रही है तो सोशल हेल्थ इज ए इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट मेंटल हेल्थ इज ए इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसी तरह स्पिरिचुअल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत से लोग इसको एक अध्यात्म विद्या कर कर करके और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रैक्टिस करते हैं कोई बुराई है नहीं लेकिन सोशल हेल्थ जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसमें अगर अगर हम देखें कि स्पिरिचुअली इवाल्व्ड पर्सन कौन है तो जिस व्यक्ति के मन में ये फीलिंग आवे कि मेरा साथ रहने वाला मेरे सबॉर्डिनेट जो, जो और लोग हैं इवन दी एनिमल्स बफेलो है काऊ है, है तो इस दे ऑल शुड बी सेफ तो स्पिरिचुअल विद्या का अध्यात्म विद्या कहती है कि कि प्राणी मात्र की रक्षा होनी चाहिए प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला ही स्परिचुअली इवॉल्व पर्सन उसके छत्र छाया में वो जब तक बैठा रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ सब प्राणी सुरक्षित है तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का ये एक पैरामीटर जो प्राणी रक्षा का है वह बी मैनिफेस्टिंग स्परिचुअली इवॉल्व पर्सन में फिजिकली मेंटली सोशली वो खुद महसूस करें कि मैं हैप्पी हूँ मैं स्वस्थ हूँ दूसरा कुछ कहे चाहे न करें उसको खुद भी महसूस हो और उसका इफेक्ट व्हेन ही इज़ फीलिंग हैप्पी तो नेबरिंग जो है उसके जो नेबरहुड है वो भी महसूस करता है कि मैं भी सुखी हूँ तो मैंने देखा कि बहुत से जो स्परिचुअली इन्वॉल्व पीपल रहे हैं उनके जो एनिमल्स जो थे दे फेल फीलिंग एट मुझे एक जगह एक आश्रम में जाने का अवसर मिला वहाँ मैंने देखा कि हम वहाँ ठहरे तो उसने एक गाय को आवाज़ लगाई नंदिनी देखो हमारे मेहमान आए थोड़ा दूध चाहिए एंड पर्सन बेंट और उसे दोपहर में बारह बजे एक बजे उसने दूध दुहा कर करके लिया है एंड ही ऑफर दस दि बारह एक बजे दूध दुहना गाय का अनप्रैक्टिकल लगता लेकिन वो गाय इतनी दिवे ही उसकी परवरिश हो रही थी फैन लगा हुआ था वहाँ पर साफ नीट एंड क्लीन जगह पर बैठी हुई थी एंड सी वाज हैप्पी तो ऐसी लुक आफ्टर करना इवेंट टू तो द दे एनिमल्स दैट सिम्बोलाइज ए पर्सन इज स्पिरिचुअली है mm -hmm. जो सब आर्डिनेट्स की भी केयर करें और उसकी सफरिंग को अपनी सफरिंग समझे तो स्परिचुअल साइंसेस का डेवलपमेंट हमारे देश में और विश्व में होना चाहिए एक बात यहाँ पर एक मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो आज के वर्तमान युग में परिप्रेक्ष्य में बहुत सामयिक है जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो हम दौड़ कर करके एक सेंटर पर ले जाते हैं जहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाए, तो एनजियोग्राफी हो जाए स्टेंट डाल दें बाईपास कर दें तो ऐसे ड्रामेटिकल प्रोसीजर्स अगर हम नहीं करते हैं तो मार्टिलिटी बहुत हाई होती है मृत्यु तो दर बहुत बढ़ जाती है तो ये इमरजेंसी है इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है इट्स ए मस्ट हम कितनी भी और जो जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें वो प्रिवेंट तो कर रही है लेकिन एक्यूट अटैक हो गया तो हमें उसका सहारा लेना चाहिए इसी तरह हमारे ब्रेन में जो जैसे हृदय में एक पेस मेकर है वह पेसमेकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की जनरेट कर रहा है और वो हृदय के हर भाग के ऊपर उस एक्टिविटी का प्रभाव है जो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा देख सकते हैं इसी तरह हमारे ब्रेन में भी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और उसका भी कोई पेसमेकर है उस पेसमेकर के ऊपर जिसको हमारी जो अध्यात्म विद्या है उसमें चेतना कहा गया है कॉन्सनेस कहा गया है वह चेतना ये कॉन्ससनेस उसके ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस चेतना की शक्ति को उत्थान कर सकते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो चेतना की शक्ति को डाउनग्रेड कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए हृदय के रोग के हृदय के रोग रोगी को अगर हम कैफीन या निकोटीन ज़्यादा पिला दें तो उसकी हृदय की गति बढ़ जाती है तो पेस बेकर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है इसी तरह अगर कोई मनुष्य उसको हम अल्कोहल पिला दें तो उसकी कॉन्सियसनेस लेवल में अंतर आ जाता है अगर वो थोड़ी मात्रा में लिया है तो वो बैठा रहेगा उसकी मेंटल फैक्ल्टीज कम होगी थोड़े वायलेंट हो जाते हैं एब्यूजिव हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो अल्कोहल है वो हमारी चेतना शक्ति को अल्टर कर रहा है इसी तरह यदि हम दही पिला दें उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को दही पिला दें दोपहर के दिन गर्मी के दिनों में और उसमें दही के अंदर आप शुगर मिला दीजिए या गुड़ मिला दीजिए और उसको पिला दीजिए तो चाहे जितना आदमी एग्रेसिव हो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएगा इसका मतलब दही में और कैफीन में कॉफ़ी में कोई ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी चेतना शक्ति को अल्टर कर रहे हैं अल्टर कर देते हैं एक उत्तेजित कर सकता है एक उसको शांत कर सकता है ट्रंकुलाइज कर सकता है भोज्य पदार्थ है hmm. और वो भोज्य पदार्थ जो उस केमिकल में है उसको हमें एक टेबलेट के फॉर्म में भी दें तो वही इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे गाबा एमिनो एसिड गाबा अगर दे दें तो वो आदमी जो है शांत हो जाएगा और अगर हम दूसरा सब्सटेंस दे दें कैफीन दे दे या हाइसिन दे दे तो आदमी पागल हो जाएगा वायलेंट हो जाएगा इसका मतलब है कि भोज पदार्थ या कुछ सब्सटेंसेस हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं आत्मा की शक्ति को चेंज करते हैं इसी तरह एक कोश जीव हम मान लीजिए एक कोश जीव है यूनिसेलुलर तो उसमें जैसे एक अमीबा है उस अमीबा के ऊपर एक अल्कोहल की ड्राप रख दीजिए तो वो जो अमीबा है एक कोशकी की है उसकी जो गतिशीलता है वो कम हो जाएगी इसका मतलब अल्कोहल उसको सप्रेस कर रहा है एक कोशकी जीव में भी आत्म प्रदेश हैं मनुष्य में जैसे आत्म प्रदेश है बफेलो में है एलिफेंट में है काऊ में है मंकी में है हर जानवर के अंदर चाहे एक कोशकी की हो चाहे पेंटा कोसोल हो पांच कोश की हो उस सब में आत्म तत्व है और आत्म तत्व के ऊपर बाह्य चीजों का प्रभाव पड़ रहा है hmm. आत्मा के उत्थान और पतन स्पिरिचुअल साइंसेज कहते हैं कि अगर आत्मा का उत्थान हो तो वह एक कोष के जीव हाथी बन सकता है मनुष्य बन सकता है एक कोष के जीव वही परिवर्तन कर रहा है एवोल्यूशन hmm. एवोल्यूशन। तो वो इवोल्यूशन की प्रक्रिया हम सीरियल वाइज देख सकते हैं कि वही वही एक कोस के जीव था बकरी बन गया बकरी बनने के बाद भेड़ बन गया और उसके बाद बफेलो बन गया मनुष्य बन गया देव बन गया इसका इवोल्यूशन हम देख सकते हैं डाउनफॉल भी देख सकते हैं तो आत्म आत्मा की शक्ति के उत्थान पतन के कारण हर जो अध्यात्म विद्या के छात्र छात्राओं को बतलाना अत्यंत आवश्यक और अगर उनका समावेश वहाँ पर है तो वह अध्यात्म विद्या के केंद्र अंडर स्कैन होना चाहिए hmm. देखभाल तो होनी चाहिए कि क्या बात है hmm. अध्यात्म विद्या या धार्मिक विद्याओं के नाम से बहुत से लोग बच्चे एक्सप्लाइट होते हैं तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता सोसाइटी के अंदर और उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की व्यवस्था जैसी है वह होनी चाहिए तो अध्यात्म विद्या ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है और इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के प्रति लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा यही एक परमाइवेट परमाइट इसीलिए जिन लोगों ने स्पिरिचुअली वर्ल्ड हुए उनकी इज्जत हुई उनको अनेक नामों से पुकारा गया एवन लोगों ने उनको ईश्वरीय स्वरूप दिया लेकिन जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है जिसको चमत्कार कहा जाए चमत्कार हो सकते लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित कर करके सोसाइटी को बैलेंस करने को की कोशिश की इनसे डिबेट किया तो तुम संदेह संदेहात्मक हो संदेहात्मक व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखना जरूरी है। तो अध्यात्म विद्या का एक साइंटिफिक विश्लेषण होना अत्यंत जरूरी है। अध्यात्म विद्या का एक्सप्लाइटेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन शुड नॉट बी अलाउड इसी तरह आध्यात्मिक विद्या का ये मतलब नहीं कि आदमी पैरासाइट हो जाए वह काम करे अपने बुद्धि और कौशल का प्रदर्शन करे अनेक लोग आध्यात्मिक विद्या के प्रभाव से उन्होंने अने अनेक प्रकार के अच्छा व्यवसाय डेवलप कर करके अनेक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और उसका प्रभाव बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी शुरू हुई जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया तो वो उसको परिपेक्ष का उस परिपेक्ष को हमें भूलना नहीं चाहिए अध्यात्म विद्या एक बहुत बड़ी अच्छी विद्या है और आपको जान करके सभी श्रोताओं को जान करके प्रसन्नता होगी कि इस इस दिशा में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस खोलने का एक प्रस्ताव आया है और वो हो सकता है धीरे धीरे उसको कोई सेप ले तो वो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए एक अच्छा प्रयास है और उसका सब लोगों को समर्थन करना चाहिए लेकिन अभी ये देखना होगा कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है बिल्कुल कैसे पढ़ाया जाएगा और कहीं उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं हो गया बिल्कुल सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए तब हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल आपका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में आप कभी भी अपना खुद का नाम कभी आगे नहीं ना रखते हो एक संगठन हम कह के आप बोलते हैं जहाँ पे अपना नाम इम्पोर्टेंट नहीं है काम होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जो कार्य कर रहे हैं अनेकों लोग मांसाहारी भोजन को प्रमोट करते हैं जैसे आपने कहा अलग अलग माध्यमों के द्वारा अब साइंटिफिकली शाकाहारी भोजन खाने से आपने बेनिफिट्स तो बताए हैं लेकिन मांसाहारी भोजन क्यों साइंटिफिकली हमारे लिए नहीं बना है और क्यों शाकाहारी भोजन बना है अगर आप एक बार हमें गहराई से बता सके ताकि हर एक बच्चा बच्ची बूढ़ा बूढ़ी जो भी जो भी वर्ग के क्यों ना हो अपने अंदर ये परिवर्तन मैं ये कर सकता हूँ मे बी फैमिली में सब खाते हों लेकिन एक इंडिविजुअल अगर परिवर्तित हो जाए हमारा काम भी यही है पीएमसी के द्वारा कि हम हर एक एक, एक व्यक्तित्व को पकड़ लें उनके अंदर अंदर परिवर्तन लेकर आए तो बदलाव हो जाएगा इस बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि हम कैसे एजुकेट करें तो इसमें जो मास जन्य भोजन है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है उसको सबसे पहले हमें लोगों को बताना चाहिए क्योंकि लोग एक्चुअली क्या कहते हैं कि शाकाहारी भोजन जो है अभी तो प्लांट्स को खा रहे हैं हाँ तो तो प्लांट्स को भी तो इमोशंस होते हैं तो उनको खाने से आपको दिखते नहीं है इसका मतलब नहीं है मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन में कोई फर्क नहीं है करके कहा जाता है नहीं शाकाहारी भोजन का अभिप्राय यह है कि जहां एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जितने प्लांट्स हैं वो अपनी प्रोजनी को जीवित रखना चाहते हैं उनकी संतति को बनाए रखना चाहते कोई भी प्लांट ऐसा नहीं चाहता है कि वो बिना मतलब के लिए कोई फ्रूट्स डेवलप कर रहा है उसके इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसमें कि वो अपनी संतति को बढ़ाना चाहता है तो ये जो फल फ्रूट्स लगते हैं या वेजिटेबल्स लगती हैं उसमें बीज जरूर होंगे और वो बीज का डिस्पर्सल चाहता है वो प्लांट मनुष्यों के लिए या जानवरों को वो कहता है कि खाओ इसको खाएगा तो बीज जो है डिस्पर्स होगा उसकी संतति बढ़ेगी जगह जगह वो, वो बीज जाएगा उसे वो प्रोजनी उसकी बढ़ती चली जाएगी तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी कभी भी पेड़ को उखाड़ करके मनुष्य को नहीं खाना चाहिए उसके फल फ्रूट्स हैं उसके उन चीज़ों का इस्तेमाल करना न तो प्लांट के अहित में है और न मनुष्य के अहित में मनुष्य को लाभ ही होगा मनुष्य को भी लाभ होगा प्लांट को भी लाभ होगा तो ऐसा कार्य जिसमें प्लांट्स को भी सुख मिल रहा है मनुष्य को सुख मिल रहा है यह एक हारमोनियस को की एक परंपरा है और ये हेल्दी प्रॉपर है एक बात और देखिए आप जैसे पेड़ हैं पेड़ों के द्वारा जो वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपलब्धि है वह पेड़ पौधों के द्वारा ही पेड़ पौधे अगर न होते तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत बढ़ जाता है जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो आप ये देखिए वहाँ इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन बहुत है आप अन्य जगह नहीं जाइए जो दिल्ली का ही जो जो पॉल्यूशन इंडेक्स है उसमें आप देखिए बहुत परिवर्तन है यहाँ के वायुमंडल इतना शुद्ध नहीं है इतना होना चाहिए इससे बहुत से चेस्ट की डिजीज सी ओ पी डी ऐसी बहुत सी बीमारियाँ जो कि यहाँ पर देखी जाती है इस समय इनहेलर बहुत इस्तेमाल किया जाता है तो पेड़ पौधों का भी अहित ना हो मनुष्य का भी अहित ना हो तो इन दोनों का सामंजस्य एक सोसाइटी के अंदर बना रहना जरूरी तो पेड़ पौधों के जो फल फ्रूट्स हैं उनको खाना हिंसाजन्य कार्य नहीं जैसा लोग कहते हैं हिंसाजन्य कार्य नहीं हो दूसरा अगर हम पेड़ पौधों के उत्पादनों को से प्रयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हमारी फीलिंग रहती है कि हम तुलसी के पेड़ को पानी डाल रहे हैं एक पेड़ को हम पल्लवित कर रहे हैं और वह खुशबू फैलाता है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिस घर के अंदर फ्लावरिंग प्लांट होंगे वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स निश्चित रूप से ऊपर होगा निश्चित रूप से तो फ्लावर्स को देख कर करके और आप प्रसन्न होइए जो लोग फ्लावर्स को देख कर, -कर उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं वे अगर मैं कहूँ कि वे मेंटली थोड़ी सबनॉर्मल है तो कोई अतिशक्त नहीं होगी hmm. क्योंकि वो इतनी खूबसूरती के साथ खिल रहा है उसको आपने देखा नहीं उसकी प्रशंसा नहीं की तो वो अपनों को अभागा समझता है। आप कभी नई शर्ट पहन के जाते हैं या नए कपड़े पहन के जाते हैं कोई दूसरा कहे बहुत सुंदर लग रहे हो तो आपको प्रसन्नता होती है। कहने मात्र से तो ये हमारी एक मनोवृत्ति है दूसरा इसमें एक दूसरा फैक्टर है जो बीमारियाँ बीमारियाँ कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि प्लांट्स के खाने से हमारे शरीर में आ सकती है इस विषय के ऊपर भी गहरी चिंतन होना चाहिए जैसे आजकल आप देखते होंगे जितने जैसे तरबूज हैं लौकी है, है उनमें इंजेक्शन लगा देते हैं एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन होता है उसको लगाने से लौकी की छोटी दो इंच की लौकी छः इंच की हो जाती है ऑक्सीटोसिन का एक हार्मोन होता है ये ये नुकसान करता है जब आदमी इंटरफ्रेंस करता है इसमें नुकसान करता है इसी तरह जो जानवरों का अंश खाते जैसे तो उसमें चूंकि जूनोटिक डिजीज़ की संभावना बहुत है और वो कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश प्रवेश कर करके या जानवर के शरीर में प्रवेश करके अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं जैसे एक मिर्गी का रोग है दौरे आने लगते लोगों को उसमें कीड़ा लग जाता है तो गोभी के पत्ते के ऊपर भी कीड़ा होता है और जानवरों के शरीर में भी कीड़ा होता है वो शरीर में गया मस्तिष्क में लाज हो गया और कन्वलसन्स आने लगते ये इस बीमारियों को जिसको कि हमने एक जूनोसिस टर्म दिया है 160 से 200 सौ जूनोटिक डिजीज आइडेंटिफाइड है वो बीमारियाँ निश्चित रूप से उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कि इन जानवरों को खाते हैं जी ये गाय भैंस बकरी कीटाणु है इसी तरह गोभी के पत्ते गोभी के फूल इनमें कीटाणु होते हैं पालक के पत्ते पालक को आप धोइए अच्छी तरह से साफ़ करिए और जो इंजेक्शन लगी हुई सब्जियां हैं उन नहीं, नहीं खानी चाहिए तरबूज है उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है तो इन इससे जो है बीमारियां होने की संभावना रहती है। एक बात और जो आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि एक हमारे इम्यूनिटी होती है इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी का रेजिस्टेंस ये बॉडी का रेजिस्टेंस अनेक बीमारियों को प्रिवेंशन के लिए योगदान रहता अगर ये हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए तो बहुत सी बीमारियाँ हो जाती जैसे कोविड नाइन्टीन के दौरान में इम्यूनिटी कम हुई और कोविड नाइन्टीन बीमारी हो गई पीपल दे डाइट बहुत से मर गए लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में वही आदमी मर गए तो जो इम्यूनिटी है इट इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक बात और है जैसे विजातीय तत्व है हमारी ह्यूमन बॉडी प्लांट बेस्ड डाइट खाने के अनुरूप बनी हुई है इसकी रचना ऐसी आँखों की रचना दांतों की रचना इसमें कैनाइन टूथ नहीं होते ज़्यादा प्रामिनेंट नहीं होते जैसे कार्निवोर्स एनिमल्स के होते हिंसक जानवर के शेर के चाँद निकले होते तो मनुष्य के नहीं होते सौम्य होते छवि जो है मनुष्य की सौम्य होती क्रूअल नहीं होती शेर की क्रूअल होती तो क्रूवलिटी कार्निवोर्स में ज़्यादा होगी और वही जो जानवर उस जानवर का अंश यदि किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाए सौम्य प्रकृति के में चला जाए तो वह इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देता है और बहुत सी बीमारी होती है जिसको कि इम्यून डिसऑर्डर्स करते हैं वो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते जैसे पहले भारतवर्ष में एक बीमारी थी मल्टीपल मल्टीपुल्क्रोसिस मल्टीपल एस्लोरोसिस ये बीमारी भारतवर्ष में नहीं थी इम्यूनोलॉजिकल डिजीज बहुत कम होती थी यहाँ सब लोग प्लांट बेस्ड फूड करते खाते थे लेकिन अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आ रहा है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उससे ये बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही है एक बीस साल की लड़की ब्लाइंड हो जाती है बिल्कुल दोनों से नहीं दिखा देता देखा जाता है पता लगा उसको मल्टीपल स्क्लोसिस हो गए उसको नर्वस की बीमारी हो गई तो ये बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चल जा रही इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जूनोटिक डिसऑर्डर्स कैंसर डायबिटीज हाइपरटेंशन ओबेसिटी ये सब बीमारियाँ दिन प्रतिदिन मांसाहारियों के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ प्रति रही जो शाकाहारी लोग हैं वो ओवर ईटिंग करने लगे जो संपन्न घर के हैं मैंने देखा है जितना खाना खाना चाहिए थे उसे चार गुना खाना खा रहे हैं भाई नहीं ऐसा नहीं कि आपको परमिशन नहीं दे देगी जितनी आपकी औकात है उतनी खाइए जितनी आपकी क्षमता है तो ओवर हीटिंग भी इज नॉट गुड तो मांस और शाकाहारी भोजन के अंदर शारीरिक रचना में फर्क है मनुष्य बेसिकली शारीरिक रूप से शाकाहारी भोजन के लिए बना गया अगर इसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो बहुत सी बीमारियाँ जैसे जिनके उल्लेख मैंने किया है इंक्लूडिंग मैनोलॉजिकल डिजीजेज वो ज़्यादा होती तो इसलिए बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए एक फंडामेंटल बेसिक टूल है ये हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनकी रोकथाम के लिए पूरे वर्ल्ड में चार बातें कही गई फर्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ टोबैको ये टोबैको दो तरह से खाए जाते हैं एक तो स्मोक से स्मोकिंग कर से दूसरा टोबैको सुरती खाते हैं mm -hmm. तम्बाकू के रूप में पान मसाले के अंदर खाते यह है ओरल कैंसर का प्रमुख कारण है कैंसर हो जाता मुंह का और वहाँ छेद हो जाता है चीख के अंदर आप सोचिए क्या हालत होती होगी उसकी तो छेद हो जाए खाना यहाँ से लिया पानी इधर से निकल गया और उसकी सर्जरी करानी पड़ती तो ये ओरल कैंसर का प्रमुख कारण है यही टोबैको हार्ट अटैक का कारण है यही टोबैको ब्लड ब्लड वेसिस के ब्लड फ्लो का इम्पेयरड हो जाता है तो टोबाई तो को इज नंबर टू नंबर टू इज़ फिज़िकल इनएक्टिविटी शारीरिक श्रम न करना फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो रही है बहुत से लोग मैंने देखा आजकल एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि मेरा लड़का तो एम में काम करता है वह तो पैदल चलता ही नहीं घर में ए है वो उसको गौरवान्वित करते हैं लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ये दो चार किलोमीटर पैदल चलता है कि नहीं चलता कम से कम भी चार किलोमीटर पाँच किलोमीटर दस किलोमीटर प्रतिदिन चलना आदमी के लिए ज़रूरी है जितना भोजन वो कर रहा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है hmm. तो फिजिकली इनएक्टिविटी कम होने से रोग बढ़ जाते हैं और तीसरा एल्कोहल का कंजम्पशन एल्कोहल एक ऐसा टॉक्सिन है जिसकी वजह से हमारे लिवर डैमेज हो जाता है ईसोफेगस का कैंसर हो जाता है स्टमक का कैंसर हो जाता है और ये बीमारी से जलोदर रूट रोग हो जाता है पानी में पानी भर जाता है पेट में बहुत से लोग धार्मिक लोग मुझे बताते हैं कि ये हम मंत्र जाप करते हैं तो हमने कहा पहले तुमने अल्कोहल पीना बंद किया कि नहीं किया अल्कोहल <laughs> तो नहीं किया तो इसका मतलब है कि हम रूट कॉज को भी कर तो ये एल्कोहल इीजे पोटेंशली वेरी डेंजरस एंड इट कॉजिस सिरोसिस ऑफ लीवर तो होती है एसाइटिस पानी भर गया कैंसर ईसाफेगस का कैंसर तो ये कैंसर का भी कारण है और चौथा फैक्टर है कि प्लांट बेस्ड फूड यानी शाकाहारी भोजन ये हमारे इन रोगों की प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गैर गैरछुआछूत की बीमारी है उनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है एक बहुत से प्रदेशों के अंदर पहले एक बीमारी होती थी नेहरवा उसमें कीड़ा निकलता था पैर से कहीं छेद किया और एक एक फीट एक एक मीटर के कीड़े निकलते थे ऐसे निकालते जाओ धीरे धीरे और उसको धागे पर लपेट लपेट के निकालते थे वह बीमारी कीटाणु से हो जाती थी उसको बंद करने के लिए पानी को छाप अब फिल्टर वाटर पीने की परंपरा शुरू की थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है गाँव में भी अब तो लोग अवेयर हुए हैं तो ये पानी की वजह से भी बीमारियाँ फैल जाती तो हमारा भोजन पानी भोजन सब्जियाँ ये सब हाइजीनिकली क्लीन होनी चाहिए ऐसा नहीं कि वो अगर सब्जी है हम एप्पल है तो ऐसे बिना धोए खा लें उस पर भी वैक्स लगा देते हैं अनेक प्रकार के आप जो वीडियो के अंदर देखते होंगे ऐसे समाचार आते रहते हैं उनके ऊपर ध्यान से सोचना चाहिए कि वैक्स लगाने से या इंजेक्शन तरबूज में इंजेक्शन लगा देने से आ, ये उसका मीठापन हो जाता है लेकिन अल्टीमेटली रोग तो होते ही जागरूकता के द्वारा हम जो भी रोग है उसे हम एक्चुअली बच सकते हैं और आपका बहुत महत्वपूर्ण तो भूमिका आप निभाते हैं यदि एज ऑफ सेवेंटी फोर आपने यू हैव डन सो मच वर्क और आप इतने एक्टिव हैं जो आप कह रहे हैं वो जी रहे हैं और बहुत बहुत खुशी होती है ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए क्योंकि हम यही प्रयास रखते हैं कि हम कितना ज़्यादा जागरूकता फैलाएं ताकि और लोग ध्यान आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को जिए जागरूकता के साथ जिए और खुशी से जिए और डेफिनेटली हम साथ मिलकर ये जो ज्ञान है विज्ञान है सभी तक पहुंचाने के लिए हम दृढ़ निश्चय से हम काम करते रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पी हिंदी स्टूडियो में आने के लिए आप ऐसे ही काम करते रहें सालों साल जीते रहें और ऐसे ही ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आने के लिए थैंक थैंक यू यू सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी डॉक्टर डीसी जैन ने इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि मेरे बारे में ज्यादा बात मत करना जो काम हुआ है जो अहिंसा को प्रोपगेट करना है उसके बारे में ज्यादा हम डिस्कशन रखेंगे तो इतनी अद्भुत बात है बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने आप को प्रमोट करते हैं जो एक्चुअली अहिंसा को प्रमोट करना चाहते हैं एक ग्रुप लेवल पर यह है एक लेगेसी डॉक्टर डीसी जैन ने 74 इयर्स की उम्र में इतना कुछ किया है और वो कहते हैं कि बहुत कुछ बाकी है तो साथ मिलकर अहिंसा जगत की स्थापना करेंगे आज की इंटरव्यू में आपने क्या क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं और अगले इंटरव्यू में आप कौन से थॉट लीडर से मिलना चाहेंगे जानना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं जो भी हमें टीवी पर देख रहे हैं हमें यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लोगों तक ये वीडियोस शेयर करें तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल नमस्कार